आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना के इस जंग में हमने बचाव और इलाज के लिए नए नए तरीके खोजे हैं और वो चीज जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा कारगर हो रही है वो है हमारे देश में पुरातन काल से उपयोग में लाई जाने वाली पद्धति आयुर्वेद। श्रोताओं, कोरोना के बचाव, इलाज और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में आयुर्वेद ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं। अगर हम कोरोना संक्रमण के ताजे आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम सबको भी पूरी तरह से सतर्क रहना है क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाइए, दो गज की दूरी बनाए रखिए और हाथ और मुंह साफ रखिए। अगर आप इन तीन बचाव के उपायों को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना की जंग को जीत पाएंगे। श्रोताओं, आपको जागरूक करने के लिए और आपके मन में उठ रही तमाम शंकाओं का निवारण करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ होते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हैं और श्रोताओं के सवालों का जवाब देते हैं। श्रोताओं, कोरोना से बचाव और इलाज के लिए आयुर्वेद से जुड़े तमाम प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली की निदेशक प्रोफेसर डॉ तनुजा मनोज नेसरी। डॉ तनुजा का आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। डॉ तनुजा, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 01-233-14-444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @EIRNews पर #AskEIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉ तनुजा, इस समय मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं आम हो रही हैं। कोरोना के इस युग में ये पता करना कि ये मौसमी बुखार है या कोरोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आयुर्वेद के नजरिए से हम किन चीजों का सेवन करें ताकि हम इस बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों का सामना कर सकें? बहुत अभी एक अहम सवाल आपने पूछा है क्योंकि अभी ये जो मौसम बदल रहा है अभी ये शरद ऋतु है और इसमें एसिडिटी, पित्त की बीमारी ज्यादा होती है और आपने जैसे कहा कि बुखार आना और सर्दी, खांसी, जुकाम ये होना, ऐसे कई सारी बीमारियां हो सकती है आसानी से। और कोरोना में जैसे सर्दी, खांसी, बुखार है, लेकिन सबसे पहला लक्षण तो है कि गंध का ज्ञान, मतलब सेप स्मेल नहीं आना, ये कई लोगों को होता है, बदन में दर्द होता है और उसमें जो सर्दी खांसी होती है उसमें छींके नहीं आती जी। और अभी जो अभी जितने भी वायरल फीवर है जिसको फ्लू कहा जाता है उसमें छींके आते, आंखों में पानी आना, गले में खराश होना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो हमें तुरंत ये करना चाहिए कि पानी ठंडा पीना बंद करना चाहिए, गुनगुना पानी, गर्म पीना ही पानी ही पीना चाहिए जी। दूसरा, गले में खराश है और शुरुआत में ही अगर आप गर्म पानी से हल्दी और नमक के गरारे करें सुबह शाम तो वो गले की खराश, जो इन्फ्लेमेशन है, तुरंत रुक जाता है। और दूसरी एक चीज बहुत असरकारक है वो है स्टीम इनहेलेशन। अगर गर्म पानी की बाफ ले और उसमें पुदीना या लौंग का तेल कुछ भी डाल के अगर ले ले तो सुबह शाम दो बार करने से ये खराश कम होती है, गले का इन्फ्लेमेशन नीचे नहीं जाता और तुरंत ही उसमें अटकाव होता है। हमने ये भी देखा है कि ये बदलते मौसम में सुदर्शन घनवटी, जैसे कड़वी चीजों से बनी, वो सुबह शाम अगर सुबह दोपहर शाम दो दो गोली लगातार 8-10 दिन ले तो वो आगे कोई बदलते मौसम से होने वाला जो बुखार
वगैरह लक्षण भी नहीं होते और आगे बीमारी बढ़ती नहीं है। डॉक्टर तनुजा, सुदर्शन घनवट्टी के बारे में आपने बताया, तो इसकी डोज क्या होती है? हाँ, ये 125 मिलीग्राम की एक गोली होती है जी। ये दो गोली, मतलब 250 मिलीग्राम की दो गोली सुबह दो, दोपहर में दो और शाम को दो, गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। और जिस किसी को सर्दी खांसी जुकाम है तो अगर चूसने की गोली और कत्थे की बनी खदीरादी बट्टी या इलायची से बनी एलादी बट्टी आती है चूसने की, लोजेंजेस जिसको कहते हैं। और जिसको कफ भी ज्यादा है तो सोठ मरी पिपली से बनी व्योषादी बट्टी आती है, तो ये गोली चूसनी चाहिए इसके साथ साथ जी। और डॉक्टर तनुजा, आयुष मंत्रालय ने कोरोना को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं और आयुष मानक उपचार प्रक्रिया भी जारी की है, जिसमें कोविड-19 महामारी से बचाव के एहतियाती उपायों के लिए देखभाल से जुड़े विस्तृत दिशा निर्देश हैं। इसमें प्री कोविड और पोस्ट कोविड का भी जिक्र है, कैसे मैनेज करना है इसके बारे में आप बताइए। जी, सबसे पहले तो वो प्रोफिलैक्सिस मतलब ना हो, प्रिवेंशन के लिए आयुष ने एक एडवाइजरी जारी की थी मार्च महीने में ही, जिसमें काढ़ा लेना ये बहुत अहम भूमिका निभाई काढ़े ने, क्योंकि हमने जो भी रिकॉर्ड्स हमने ऑब्जर्वेशन देखा है तो जो लगातार सुबह शाम काढ़ा ले रहे हैं हर्बल टी के रूप में, चाय के स्वरूप में, वो कोरोना से बचे हैं। तो ये काढ़ा लेना एक एडवाइजरी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उसके साथ साथ जो हल्दी के गरारे हैं, हल्दी वाला दूध जिसको गोल्डन मिल्क कहा है, या किलोई की वटी, संशमनी वटी या रुचि वटी नाम से है, अमृता वटी भी उसको कहते हैं, वो भी साथ साथ हमने ली। जैसे मैंने अभी कहा था सुदर्शन घनवटी ले लीजिए, उसके साथ साथ जो एडवाइजरी की जो किलोई की वटी है वो इम्यूनो मॉड्यूलेशन का काम करती है। इसका मतलब ये है हमारी जो व्याधि क्षमता है, इम्यून सिस्टम, उसको वो मजबूत बनाते हैं। तो कोरोना का वायरस अगर गया भी शरीर के अंदर, गले से अंदर गया, तो वो पनपता नहीं, वो वही उसकी रोकथाम होती है। तो ये एक प्रिवेंटिव एडवाइजरी का हिस्सा था, जिसमें जो आंवले से बना च्यवनप्राश को भी समाहित किया है। तो अभी ठंड के मौसम में च्यवनप्राश लेना तो और बेहतर है। तो ये अगर एक सुबह एक चम्मच च्यवनप्राश ले, फिर आप सुबह शाम काढ़ा ले और संशमनी वटी ले, खान पान में फ्रेश ताजा खाना ले, रात को सोते समय हल्दी वाला दूध ले, और नाक में बाहर जाते समय जैसे आप मास्क पहनते हैं, दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, ऐसे आप फोन के रिंग में सुनते भी है, हम ये कहते हैं कि दो गज की दूरी मास्क है जरूरी और इम्यूनिटी आयुर्वेद से भी है जरूरी। जी बिल्कुल। और आपने अणु तेल के बारे में बहुत अच्छी बात बताई कि एक अणु तेल से एक तरह की लेयर बन जाती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसकी वजह से जो वायरस है वो हमारे नाक के जरिए प्रवेश नहीं कर पाता। बस इस अणु तेल में हम किस प्रकार के तेल का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, ये जो नाक में लगाने के लिए अगर कोई भी तेल हो, अणु तेल है, ये मेडिकेटेड ऑयल है, कई सारे जैसे तिल के तेल में कई सारी औषधियां जिससे सर्दी खांसी जुकाम भी ना हो, आंखों की रोशनी भी अच्छी हो, बाल भी ना गिरे, और ये पूरे ओवरऑल जितने भी नाक कान ये सभी इंद्रियों की ताकत बढ़े, ऐसी कई सारी वनौषधियां है, 25 से भी ज्यादा वनौषधियां, उससे वो प्रोसेस किया है मेडिकेटेड ऑयल। तो ये एक एक बूंद नाक में डाले या लगाए भी तो एक ब्रिज बन जाता है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल मास्क या बायोमास्क कहते हैं। मास्क से जितना असर होता है, तो अगर एक एक बूंद लगा के ऊपर आप मास्क पहने तो वो डबल प्रोटेक्शन मिलता है, एक बैरियर बन जाता है। अगर अणु तेल ना भी मिला तो घर में कोई भी तेल है जैसे कि सरसों का, तिल का, नारियल का या घी, ये अगर नाक में लगाए तो मेन इसका तत्व ये है, साइंटिफिक बेसिस ये है, कोई भी फैट लिपिड्स का अगर लेयर नाक के अंदर लग गया तो वायरस लिविंग सेल की, जो नेजल एपिथेलियम है वो लिविंग सेल के कांटेक्ट में आ नहीं सकता, इसीलिए अंदर गया भी तो वो अंदर जाता नहीं और पनपता नहीं।
इसीलिए ऑयल का लेयर करना ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर तनुजा, ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात हमारे श्रोताओं से शेयर की कि किस तरीके से अणु तेल हमारे नाक के ऊपर एक बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल मास्क बना देता है जिससे वायरस अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। और बहुत सारे श्रोता आपसे सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे गांधीनगर गुजरात का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में भास्कर राय जी जुड़ चुके हैं। भास्कर जी नमस्कार। जी भास्कर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी भास्कर जी नमस्कार। भास्कर जी आवाज आ रही है आपको? नमस्कार। जी अपना सवाल पूछिए। जी भास्कर जी से हमें लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है, किन्हीं कारणों की वजह से उनकी आवाज नहीं आ रही हम तक। हेलो, चलिए जब तक भास्कर जी से हम लोग दोबारा कनेक्ट होते हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं मैम कि पहले आयुष काढ़े की बात करते हैं। और जब पहले गर्मी का मौसम था, धीरे धीरे हम ठंड के मौसम की ओर बढ़ रहे हैं, और तो इससे इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें क्या किसी तरह के बदलाव की जरूरत है, या उसमें हम ये कहें कि रेशियो में कुछ बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल, पहले तो हम जो गर्मी के मौसम में हम ये कहते हैं कि काढ़े से कई लोगों को छाले वगैरह या मुंह में छाले आना, गर्मी होना, ऐसे हमें लक्षण दिखाई दे रहे थे, जिसमें ये काढ़े में दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, तुलसी और काली मुनक्का, ये पांच चीजें हैं। और हम जब जिनको गर्म तासीर है जिनकी, या गर्म मिजाज के लोग है जिसको हम प्रकृति कहते हैं, उनके लिए हमने ये कहा जरूर कि मुलेठी डालिए, इलायची डालिए, गिलोय या आंवले का चूर्ण भी डालिए। ये घरेलू ही जो जो मिलता है वो डाल सकते हैं। इलायची और मुलेठी ये ठंडी करती है जी। मतलब ये गर्म नहीं करती काढ़े को। तो ये डाल के अगर ले तो जिससे वायरस पनपता भी नहीं, एंटीवायरल है और इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है, दोनों चीजें एक साथ हमें मिलती है। और अभी ये जो अक्टूबर हीट का समय है जी, थोड़े दिन में ये कम हो जाएगा, दशहरे के बाद कम होता है, लेकिन अभी एक और 8-10 दिन और ये गर्मी थोड़ी रहेगी जो अक्टूबर की, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं। शरद ऋतु में स्वाभाविकतः पित्त बढ़ता है, मुंह में छाले आना, गर्मी होना, बुखार इसी के कारण हो रहा है। तो अभी और थोड़े दिन हमें मुलेठी डालनी चाहिए, गिलोय डालनी चाहिए और इलायची डालनी चाहिए। लेकिन जब ठंड होगी, मतलब जिन विभागों में ठंड अभी शुरू हुई है, तो उन लोगों को थोड़ा अदरक भी डालना चाहिए। उसमें अदरक है लेकिन उसका प्रमाण थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। मतलब जिनको सर्दी खांसी जुकाम है उनको अदरक और काली मिर्च थोड़ी ज्यादा लेनी चाहिए, और जिनको नहीं है, जिनको केवल बुखार है, उनको मुलेठी, इलायची, गिलोय ये लेना चाहिए जी। और जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोविड 19 के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रही हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा नेसरी। और अब हम रुक करते हैं बाड़मेर का, जहां से नरेंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नरेंद्र जी नमस्कार। हेलो जी नरेंद्र जी। जी नरेंद्र जी अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार जी डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल था कि बिना लक्षणों वाले कोरोना पॉजिटिव को होम क्वारंटाइन के समय किन किन सावधानियां रखनी चाहिए, और उनके घर वालों को भी किन किन सावधानियां रखनी चाहिए? जी डॉक्टर तनुजा जी, जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं और घर पर ही होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट चीज कही पूछी आपने, क्योंकि पॉजिटिव और सिम्टोमेटिक ऐसी एक कैटेगरी है, पॉजिटिव सिम्टोमेटिक, और जिनको लक्षण नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव है, तो एक तो उनको क्वारंटाइन रहना चाहिए, क्योंकि उनसे संपर्क हो सकता, संसर्ग हो सकता है जी। क्योंकि कोरोना उनके मतलब जिसको ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन कहते हैं ना, बोलने से, छींकने से दूसरे में प्रचार प्रसार हो सकता है। तो सबसे पहले तो मास्क पहनना चाहिए, बाहर जाना ही नहीं चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। हाथ, कुछ भी चीजें खाते हैं वो हाथ धोना चाहिए। लेकिन अगर आयुर्वेद के अगर आपने उपचार पूछे तो आपको सब कुछ जो प्रोटोकॉल है, अभी देखिए आयुष का प्रोटोकॉल नेशनल प्रोटोकॉल में भी समाहित हुआ है, तो उसमें सबसे पहले तो गरारे करने चाहिए,
फिर आपको सीम लेना चाहिए, लेकिन इम्यूनिटी मजबूत रहे, आगे कोई भी लक्षण ना बढ़े, इसीलिए आपको काढ़ा जरूर लेना चाहिए। एक चम्मच च्यवनप्राश लेना चाहिए, गिलोय की बटी लेनी चाहिए, दो गिलोय की गोली सुबह शाम आप जरूर ले। अगर बॉडी एक थोड़ा सा भी हल्का है तो उसमें आप सुदर्शन घनवटी को भी ऐड कर सकते हैं जी। ये लेने से आपका आगे कोई भी लक्षणों से बचाव हो सकता है, कम से कम इतना पालन करने से। और तनुजा जी, हमारे श्रोता राजीव कुमार ने सोशल मीडिया पर हमसे पूछा है कि क्या 60 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं या 5 साल से छोटे बच्चे हैं, क्या वो च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, च्यवनप्राश तो बुजुर्गों के लिए और अच्छा है, क्योंकि च्यवन ऋषि तरुण हो गए थे, यंग हुए थे, ऐसी ही ये कथा है। तो बुजुर्गों के लिए च्यवनप्राश और अच्छा है। वो इसके साथ साथ अश्वगंधा भी ले सकते हैं, क्योंकि अश्वगंधा प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा है, और असिम्टोमेटिक के लिए भी वो अश्वगंधा की एक एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं। मुलेठी भी ले सकते हैं इसके साथ साथ, उसका भी वो पालन, मतलब उसको भी अपने एक काढ़े में डाल के ले सकते हैं। सबसे जरूरी ये है, मैं सभी को ये जरूर आग्रह पूर्वक कहूंगी कि खाना अच्छा, खान पान अच्छा होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, समय पे होना चाहिए, 8 बजे से पहले रात का खाना खाएं। और हमने जो देखा है हमारे कोविड वार्ड में कि मानसिक सुरक्षितता, मतलब तनाव रहित रहना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड के पेशेंट को एक स्टिग्मा आ जाता है कि मुझे कोविड हो गया तो मैं अछूत हो गया, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं। एक तो वो तगड़ा फ्लू है, तो आपने अगर सावधानी रखी, आपने सभी का पालन किया, मास्क, हाथ धोना, 2 गज की दूरी, और पूरा इम्यूनिटी पे ध्यान दिया आपने, तो आप इससे तुरंत लक्षण मुक्त हो सकते हैं। बहुत जरूरी ये भी है कि आप आधे घंटे का योग जरूर करिए सुबह, मन की शांति के लिए कुछ ओम चैंटिंग करें, प्राणायाम करें, तो उसमें फेफड़े की भी ताकत बढ़ती है। और नींद अच्छी लेना, 6 से 8 घंटा रात को, वो भी बहुत जरूरी है। तो कोरोना में ये हम जरूर कहते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल को संतुलित रखिए। कोरोना ने यही सिखाया है कि एक डिसिप्लिन लाइफ अगर हम जिए, खान पान अच्छा रखे, आचरण अच्छा करें, समय पे खाना, समय पे सोना, 6 से 8 घंटे की रेस्ट होना, आपका खाने का समय आप नियमित रखें, सुबह 8 से 9 में नाश्ता, 12 से 2 के बीच में लंच, और 8 से 9 के बीच में डिनर, और रात का खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद सोना, अगर इतना भी आप करोगे, पालन करोगे, तो मुझे लगता है कि एक इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर तनुजा, आपने जो जीवन शैली या लाइफ स्टाइल की बात करी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। संतुलित अगर हमारी जीवन शैली है तो निश्चित तौर पर हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है और हमें कोरोना के संक्रमण के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इस बीच हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में फतेहपुर का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में जनार्दन जी जुड़ चुके हैं। हेलो जनार्दन जी, नमस्कार। नमस्ते सर जी, अपना सवाल पूछिए। सर मेरे प्रॉब्लम ये है कि अभी तो मान लो ठंड का मौसम आ रहा है जी, तो ये जो गर्म कपड़े हैं इनको भी संक्रमित कैसे करेंगे, रोज धुल तो पाएंगे नहीं इनको। जी बिल्कुल डॉक्टर तनुजा, ये बड़ा आम सवाल है। जाड़े का मौसम आ रहा है, आगे हम कोट भी पहनेंगे, जैकेट्स भी पहनेंगे, स्वेटर्स भी पहनेंगे, तो रोज इन्हें धोना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो कैसे क्या कुछ कर सकते हैं हम जी? आपको एक तो जैसे हमने जो हम मास्क पहनते थे ना N95, तो उसको हमने वो 4 जोड़ी रखने के लिए कहा था, मतलब आप थोड़ा धूप में एक बार पहनना, 2 के 4 चौथा दिन आएगा तब पहला पहनना। अगर आप ऐसे करोगे, एक तो वो सुखा, मतलब धो के सुखाना या थोड़ा धूप में रखना, उससे वो संक्रमण नहीं हो सकता, अलग रखना, यही हम कर सकते। 4 जोड़ी होनी चाहिए आपकी। जी मैडम, गर्म कपड़ों के बारे में बातचीत कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि जाड़े में जैसे हम स्वेटर या दूसरे गर्म कपड़े पहनेंगे तो उसे रोज धोना संभव नहीं है, तो उस केस में हम कैसे कर सकते हैं?
क्या तरीका अपना सकते हैं? हाँ, एक्चुअली क्योंकि हम उसको सैनिटाइज करना या स्प्रे से उसको सैनिटाइज करना ये भी एक कर सकते हैं, लेकिन वही थोड़ा सा हमें अलग रखना, धूप में रखना, ये चीजें हमें करनी पड़ेगी। और जैसे हम स्प्रे करते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, वो भी हम कर सकते हैं जी। और डॉक्टर तनुजा, हम इसे अलग शेल्फ में भी रख सकते हैं आम कपड़ों से अलग? ये यस, बिल्कुल उसको हमें अलग रखना है किसी से। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो सभी कपड़ों में ना रखे उसको। जी, और अब हम रुख करते हैं बाड़मेर का, जहाँ से बजरंग जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बजरंग जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी मैं बाड़मेर से बजरंगलाल बोल रहा हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि मेरी एक बार कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, उसके बाद मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, लेकिन बाद से मेरे शरीर में कुछ कमजोरियां दिख रही है, उस कमजोरियां को मिटाने के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किन आयुर्वेदिक मैं औषधियों का उपयोग करूँ? जी डॉक्टर तनुजा, हर व्यक्ति इस समय अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता है, कमजोरी से वापस आना चाहता है। तो जैसे कि हमने बात की थी, पोस्ट कोरोना अगर हम उसकी बात करें कि किस तरह का खान पान होना चाहिए, एक बार कोरोना से अगर हम ठीक हो गए हैं तो हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपने को फिट एंड फाइन रखने के लिए क्या कर सकते हैं? जी बहुत अच्छा, क्योंकि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, मतलब कोरोना से पहले ना हो, कोरोना हो गया तो क्या करना, ये भी हमने आप बात करी, तो हम अभी ये बात करेंगे कोरोना के साथ भी और कोरोना के बाद भी। जैसे अभी जो महाशय ने जो पूछा, उसमें उनको पॉजिटिव आके निगेटिव हो गया, तो एक तरह से उनको अंदर कमजोरी लग रही है, तो ये कई लोगों को कोरोना के बाद भी फटीग आता है, थकान आती है, मसल में ताकत नहीं ऐसा महसूस होता है, तो उन सभी के लिए आयुर्वेद के जो रसायन इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स है, कुछ ना कुछ जरूर सप्लीमेंट उनको लेना चाहिए, जिसमें अश्वगंधा की टैबलेट सुबह एक, शाम को एक, अगर 500 मिलीग्राम की, वो दूध के साथ लें। दूध में शतावरी भी है जो मसल को ताकत देता है, तो ये भी अगर वो सोट के साथ, दूध में थोड़ा सा सोट की पाउडर और शतावरी चूर्ण ये डाल के ले, तो उनको एक थोड़ा एक तरह से थकान उनकी कम हो जाएगी। दूसरा खान पान, जैसे हमने कहा था कि ताजा रहे, अच्छा, जिसमें दालें जरूर होनी चाहिए। अगर अब हम चार हिस्से खान पान के करें, तो एक भाग, एक कटोरी कोई भी दाल अपने मनपसंद की वो होनी चाहिए, एक कटोरी सब्जियां, फल या सलाड, हो फल नहीं, सब्जियां होनी चाहिए, सलाड होने चाहिए, और एक हिस्सा आपके जितने भी काप जैसे रोटी चावल ये हो। मैं जरूर ये कहूंगी कि जिन जिन को पॉसिबल है वो देसी घी सुबह एक चम्मच, शाम को एक चम्मच जरूर ले। लोगों को एक गलत फहमी है कि वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लेकिन वो थकान कम करता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल करता है, बढ़ाता है। दूध जरूर रखे एक गिलास सुबह या शाम को, खाने के साथ नहीं, लेकिन रात को सोते समय या सुबह सुबह वो च्यवनप्राश के साथ ले, या ऐसा ही दूध ले सकते हैं हल्दी डाल के, तो ये सारी चीजें करने से थकान कम हो जाएगी। अभी जो ठंड का मौसम आ रहा है और अभी जो एक सूखापन होगा, तो वो तेल लगाना हफ्ते में एक दो बार कम से कम, घरेलू जितने भी ऑयल है उससे मसाज करना वो बहुत जरूरी है। और इस बीच गुड़गांव से हमारे साथ अशोक कुमार जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने बताया कि जैसे कि जो आयुर्वेदिक जो आपने तरीके बताए हैं, तो 5-10 साल के बीच के जो बच्चे हैं सर, उनके ऊपर भी हम ये चीज कर सकते हैं, जो काढ़ा वगैरह है, जो भी कुछ है, गोलियां जो बताई आप लोगों ने, बिल्कुल कर सकते हैं आप। मैम दूसरा सवाल ये है कि मैं टीवी और एसिडिटी का मरीज हूँ, तो मैं टीवी का ट्रीटमेंट तो मेरा पूरा हो गया, लेकिन एसिडिटी से बहुत परेशान हूँ, तो मैम इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए? डॉक्टर तनुजा, जो एसिडिटी एक ऐसा वर्ड है जो आज हर दूसरा व्यक्ति जो है इससे पीड़ित है, तो क्या कुछ कर सकते हैं हम एसिडिटी को इम्प्रूव करने के लिए? हाँ हाँ, बहुत अच्छा, मतलब अभी ये उनको एक तो गोली के कारण एसिडिटी होती है, काढ़ा में आप सोट और काली मिर्च अदरक से बचे, फिर एसिडिटी होती है तो गर्म चीजें से उनको बचना चाहिए, जैसे ज्यादा मसालेदार अचार, मिर्ची, पापड़, ये चीजों से उन्होंने बचना चाहिए। जंक फूड आप कम लें,
लेकिन एसिडिटी कम हो इसीलिए मुलेट ही सबसे अच्छी है। घर में इलायची है तो सुबह सुबह उठ के आप अगर इलायची के दो चार दाने भी चबा लेंगे तो आपकी एसिडिटी कम होगी। दूसरा आप गिलोय का सत्व आता है, गिलोय की बट्टी के बजाय गिलोय का सत्व मुलेठी और इलायची ये ले। आंवले का मुरब्बा जी बहुत असरकारक है, सुबह सुबह ले। और गुलकंद आता है वो भी अच्छा है, तो उससे आपकी एसिडिटी कम होगी। दूध जरूर ले लीजिए आप जी। दूध चावल रात को ऐसे दूध आपके खान पान में रखिए जिससे एसिडिटी कंट्रोल रहेगी। और डॉक्टर तनुजा अगर हम देखें तो कोरोना काल में जो अवसाद या जिसे हम डिप्रेशन कह सकते हैं इस तरह की चीजें बहुत बढ़ी हैं, आयुर्वेद में क्या कोई ऐसी चीज है जिस तरह से एंजाइटी डिप्रेशन इस तरह की चीजों में हम कुछ ऐसी चीज ले सकते हैं जिससे इससे हमें वापस आने में सहायता मिले? बिल्कुल, क्योंकि हमने भी जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में हमारा जो कोविड वार्ड है उसका नाम ही केयर विद कंपैशन है, मतलब करुणा भाव के साथ सेवा। और हमने यही देखा है कि फिजिकल इलनेस के से भी बहुत इम्पोर्टेंट मानसिक स्वास्थ्य की बहुत जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेद भी मेंटल फिजिकल और स्पिरिचुअल वेलनेस देता है। तो आपको सर्वांगीण मन शरीर और आत्मा का एक सामंजस्य रखना है, तो आपको योग के साथ साथ प्राणायाम आप जरूर करें, ये मन की शांति रखता है। आपको आपके कोरोना में हुआ क्या है कि आप घर से बाहर ना रहो, क्वारंटाइन रहो, तो वो अकेलापन आइसोलेशन लगता है, पेशेंट को एक होपलेस जैसा लगता है कि मैं अछूत हो गया, तो ये उसका भाव निकालना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी ऐसी अछूतों जैसी बीमारी नहीं है, ये फ्लू है, तगड़ा फ्लू है, वो सांसर्गिक है, इसीलिए आप बचेगी अपने को और अपनों को। इसीलिए दो तीन दिन लगातार जब सिम्टम्स है वो, इसीलिए आपको फिजिकल डिस्टेंस रखना है, लेकिन आप सोशली कनेक्ट होने चाहिए। तो आजकल जैसे ऑनलाइन मीडिया से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से आप अपनों से जुड़ सकते हैं, मतलब आपको सोशली कनेक्ट होना है लेकिन फिजिकल डिस्टेंस रखना है जी। ये जरूर। और एक तो लगातार वो मीडिया से टीवी से जो निगेटिव नकारात्मक कोरोना कितने मर गए, कितना मॉर्टेलिटी रेट है, उससे कोई लेना देना नहीं, हमें अपने को सुरक्षित रखना। कुछ भगवान का नाम स्मरण करे या कोई प्रेयर करे, सत्संग करे, ऐसे अच्छी चीजों से सकारात्मक चीजों में उनको जुड़ना चाहिए। संगीत अच्छा सुने, अच्छी चीजें देखें, तो ये अगर आप करेंगे, कई चीजें ये थी कि आप कर नहीं पाए अपनी हॉबी, वो आप करिए, तो एक सकारात्मक चीजों में जुड़ना, अपने फैमिली के साथ जुड़ना, ये करेंगे तो मानसिक तनाव कम होता है। आयुर्वेद में ये कहा है अश्वगंधा की दो गोली, ब्राह्मी की वटी, ये तनाव कम कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर तनुजा आपने बताया कि सोशली हमें कनेक्ट रहना है, फिजिकली डिस्टेंस बनाना है, लेकिन सोशली बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट रहें, हम सकारात्मक रहें और अपने मन के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं, आप संगीत सुन सकते हैं और भी बहुत से काम कर सकते हैं। डॉक्टर तनुजा अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, आज के अंक में इतना ही, और आप इस कार्यक्रम से जुड़ी और आपने तमाम श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, हमें भी बहुत अच्छा लगा, हम यही कामना करते कि सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, कोरोना के साथ भी कोरोना के बाद भी। बिल्कुल, स्वस्थ और खुश रहें कोरोना के साथ भी और कोरोना के बाद भी। श्रोताओं आज के अंक में बस इतना ही, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि आपको डॉक्टर तनुजा ने कोरोना से बचाव के लिए जो भी सलाह दी है आप उनका पालन करते रहिए, और जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाएं, दो गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोरोना के इस दौर में बदले हुए हालात में आप अपना हौसला यूं ही बनाए रखिए, और हां जब भी मेरा ख्याल आए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSDTalks@gmail.com।